रोहिमा स्टेनो क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, इसको कब और किसने बनाया, और शॉर्ट हैंड के अंदर कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वॉवल होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड। व्हाट इज शॉर्ट हैंड की शॉर्ट हैंड क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, आप क्यों करना चाहते हो इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, अब शॉर्ट हैंड इज ए राइटिंग लैंग्वेज विच इज इजी एंड रीडेबल मेथड। की शॉर्ट हैंड को हम अच्छे से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि शॉर्ट हैंड को किसने बनाया और कब बनाया। बाय होम द शॉर्ट हैंड invented and when। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड को किसने बनाया और कब बनाया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट हैंड को किसने बनाया और कब बनाया। द शॉर्ट हैंड इज इन्वेंटेड सर आइजैक पिटमैन इन 1837 में। शॉर्ट हैंड को सर आइजैक पिटमैन ने बनाया और 1837 में बनाया। फ्रेंड्स, ये आपको कॉमन सी बात है कि आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड को सर आइजैक पिटमैन ने बनाया और 1837 में बनाया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट हैंड के अंदर है जो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर याद हो कि हम जब छोटे थे तो हमारे टीचर्स ने हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट बताए थे, उनमें बताया था कि कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वोवल होते हैं। तब हमने सीखा था कि कॉन्सोनेंट है जो 21 होते हैं और वोवल होते हैं जो 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते थे? 21, और वोवल कितने होते थे? 5, जो थे ए ई आई ओ यू। तो इसी तरह से जो शॉर्ट हैंड के अंदर भी कॉन्सोनेंट है और वोवल है। तो इसमें कौन कौन कितने कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे कॉन्सोनेंट है जो, उसमें क्या आते हैं? कर्व स्ट्रोक आते, सबसे पहले क्या आते हैं? स्ट्रेट स्ट्रोक। ये कितने होते हैं? 8, और कर्व स्ट्रोक 13, और अब अपवर्ड कितने हैं? 5। ये टोटल हैं 26। शॉर्ट हैंड के अंदर है जो टोटल कॉन्सोनेंट होते हैं, टोटल कॉन्सोनेंट 26। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जो मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेट स्ट्रोक कितने होते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक 8 होते हैं। पहला हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक कौन सा है? पी। ये बनेगा ऐसे डाउनवर्ड में 120 के एंगल पे। पी के बाद बी, पी का जो हैवी स्ट्रोक है वो है बी, इसको हम डार्क में बनाएंगे ऐसे ही 120 के एंगल पे। पी बी, फिर आता हमारा टी, इसको हम बनाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे लाइट में। टी के बाद आता है डी, इसको हम बनाएंगे डार्क में, ये भी बनेगा 90 डिग्री के एंगल पे। फ्रेंड्स, बोल के देखो, टी लाइट साउंड में बोला जाता है और डी हैवी साउंड आती है ना। टी डी, फिर आता है चे सी एच, ये बनेगा हमारा ऐसे लाइट में 60 डिग्री के एंगल पे। चे के बाद
जे हम इसे बनाएंगे डार्क में, ये भी 60 डिग्री के एंगल पे। फिर आता है के, इसके ऑन द लाइन लाइट में 180 के एंगल पे बनेगा। फिर आता है गे, ये बनेगा डार्क में, ये भी बनेगा 180 के एंगल पे। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जो इन सब की लंबाई होती है, जितने भी कॉन्सोनेंट है वो है होती है 1/2 सेंटीमीटर कि हम इनको 1/2 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये जो स्ट्रोक हैं वो बनाने हैं। और इनकी प्रैक्टिस हमें शॉर्ट हैंड की एक नोटबुक आती है उनके अंदर उसमें करनी है, वो भी पेंसिल के साथ। पी को हम लिखेंगे एस, ये पी है ना, इसको हम लिखेंगे बार बार पी 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 पी। अगर फ्रेंड्स हम इस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें लाइफ टाइम तक याद रहेंगे और हम भूलेंगे भी नहीं, और जिससे हमें अच्छे से शॉर्ट हैंड आ सकती है। तो फ्रेंड्स आज हम ये 8 स्ट्रेट स्ट्रोक करे हैं, कल की वीडियो में करेंगे हम कर्व स्ट्रोक। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको कर्व स्ट्रोक बताएंगे जो कि 13 है, वो हम आपको बना के बताएंगे कैसे करने हैं। तो आज आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, हर स्ट्रेट स्ट्रोक का एक एक पेज भरना है शॉर्ट हैंड नोटबुक के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।